200 के नीचे नहीं है, आगे ही जाएगा। और ये तैयारी आज नहीं, 5 साल पहले से हमने शुरू किया है, उसका फेज बाई फेज हम आगे बढ़े हैं। हारने का डर जिनको सताता है ना, वो इस प्रकार प्रश्न उठाते हैं। हम जानते हैं वहाँ हर प्रकार की मनमर्जी होती है, मनमानी करती है ममता बनर्जी, वो जानते हुए भी हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ रहे हैं लड़ते हुए, तो इसलिए उनको डर सता रहा है कि वो हार जाएंगे। उनका मंत्री CPM कांग्रेस को बोलते हैं आप आ जाओ साथ में, आप लड़ नहीं पाओगे, वो खुद जान के वो भी लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए सबको साथ मिला रहे हैं। हम बोलते हैं आप सब एक हो जाओ, सबके खिलाफ लड़के हम जीतेंगे। लंबे वक्त से आप लोग वहाँ मेहनत कर रहे हैं, अब समय नज़दीक आ गया है, कितने उम्मीद, अभी भी 200 प्लस में है या कुछ आगे पीछे हो रहा है? 200 के नीचे नहीं है, आगे ही जाएगा। और ये तैयारी आज नहीं, 5 साल पहले से हमने शुरू किया है, उसका फेज बाई फेज हम आगे बढ़े हैं। लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा सबको पता चला कि क्या होने वाला है, और 19 में हाफ और 21 में साफ का जो स्लोगान था उसी तरह हम बढ़े। 2 बार उन्होंने डेट चेंज किया, हमने घोषणा नहीं की, हमारी पद्धति है, हमारे सेंट्रल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहाँ आता है, वहाँ से घोषणा होता है, वो प्रक्रिया में हम हैं। वो तो पहले बोले हम आज घोषणा करेंगे, फिर कॉल करेंगे, क्योंकि उस लिस्ट से कोई ना कोई रोज बाहर चला जाता है या तो हमारे पार्टी में आ जाता है, तो एक त्रिशंकु में वो है कि क्या निर्णय लें, कैसे लें, समस्या उनकी है। बिना चेहरे के जाना आपको नहीं लगता थोड़ा सा भारी है, क्योंकि सामने ममता बनर्जी? इतने प्रदेश जीत लिया बंगाल में बिना चेहरे के, तो बंगाल नहीं जीत पाएंगे।